नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आनंद आप सभी का फिर से अपने नए ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। इस बार मैं उत्तरांचल के ही हरिद्वार के पहाड़ियों में बसा माता मनसा देवी मंदिर का आपको भ्रमण करवाने जा रहा हूं। माता मनसा देवी का अधिक महत्व इसलिए भी है कि यह देवी सर्प दोष को दूर करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो को हर बार की तरह आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम तो सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं हर बार की तरह कुछ जानकारी जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैं इस बार भी आपको मनसा देवी से मंदिर से जुड़ी कुछ आपको जानकारी जरूर देना चाहूँगा। तो इस बार भी मैं चलते चलते वीडियो के माध्यम से जानकारी के साथ आपको विजिट भी करवाऊँगा। तो जैसा कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री थी जिसका नाम मनसा देवी था और ये मस्तक से उत्पन्न हुई थी इसलिए उनका नाम मनसा पड़ा। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न होने के कारण देवी का नाम मनसा रखा गया, ये भी कहा जाता है। और मनसा देवी के दो बड़े भाई और दो बड़ी बहनें हैं और जिनका नाम कार्तिकेय अप्पा, देवी ज्योति और देवी अशोक सुंदरी है। और उनके छोटे भाई गणेश जी हैं। और मनसा देवी का विवाह जदकाडू जी से हुआ था और उनका पुत्र का नाम आस्तिक था। यह मंदिर हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह हरकी पौड़ी के बहुत ही नज़दीक में है। आप यहाँ पर हरकी पौड़ी जब भी आएंगे तो स्नान करके आप यहाँ पर आप ज़रूर दर्शन करने के लिए आए। तो मैं काफ़ी ऊँचाई तक आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे दुकान यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टॉल वगैरह, और ऑटो भी यहाँ पर ऊंचाई तक आ जाते हैं आसानी से। यहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई है पहाड़ों पर और ये बाइक वगैरह सब यहाँ पर इजली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इसके बाद से तो अपना खुद से ही आपको चढ़ के जाना पड़ेगा पहाड़ पर। यहाँ देख सकते हैं पानी सभी चीज़ का यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी ऊँचाई तक आप पहुँच चुका हूँ बट अभी तक मंदिर का दर्शन नहीं हो पाया है और यहाँ से लगता है अब दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर यही मंदिर है तो मुझे वहीं पर पहुँचना है। अभी इतनी ऊंचाई में और बाकी रह गया, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं कितना ऊंचाई पर पहुँच गया हूँ। देख लीजिए, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ऊँचाई पर मैं पहुँच चुका हूँ। मनसा देवी के मंदिर में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा जिसे आप कहते हैं, और इस दिन अगर आप आएंगे यहाँ पर तो काफ़ी आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। तो उस दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भाई साहब 10 रुपये में दूरबीन से दिखा रहे हैं चंडी देवी का दर्शन उस अगली पहाड़ी पर। अगर मैं कभी वहाँ पर चंडी देवी मंदिर अगर जाता हूँ तो मैं आपको रियल वीडियो आपको दिखाऊंगा। यह जो मंदिर है राजा गोला सिंह द्वारा बनवाया गया था ऐसा कहा जाता है। ये करीब 1811 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, मैंने कहीं पढ़ा था। और ये यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ 3 शक्तिपीठ जो मैं सबसे चमत्कारी शक्तिपीठ माना जाता है देवी चंडी का है, जैसे जो नील पर्वत पर है। दूसरा शक्तिपीठ माता पार्वती का है जो दक्षेश्वर पर्वत पर है। और तीसरा शक्तिपीठ माँ मनसा देवी का है जो बिल पर्वत पर स्थित है। ये जो पर्वत है ये बिल पर्वत के नाम से जाना जाता है इसको, या बिलवा पर्वत भी कह देते हैं लोग, और इसका शुद्ध नाम जो है बिल पर्वत ही है। जैसे जैसे हमें याद आ रहा है तो मैं वैसे वैसे आपको बताते भी चल रहा हूँ। जैसे मनसा देवी के लिए पुराणों में अलग अलग मान्यता भी बताया गया है। जैसे कहा जाता है कि मनसा देवी नागों के राजा वसु की बहन थी और इनका नाम वसु भी है और सर्पों की देवी के रूप में भी पूजा किया जाता है और ये विश्व से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। मनसा देवी की जो है 2 मूर्ति स्थापित यहाँ पर किया गया है और एक प्रतिमा में उनके 3 मुख हैं और 5 भुजाएं हैं और दूसरे में 8 भुजाएं हैं और माँ कमल और सर्प पर विराजित
आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे तो यहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना है अंदर में, बाहर में आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो दिखाने के लिए। वैसे तो मैं पहली बार मैं भी आ रहा हूँ, मगर मैंने सुना था जैसा कि तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। और उनकी जो गोद में जो पुत्र है उनका नाम आस्तिक है, और उनके आसपास सात नाग हमेशा उनके आसपास मतलब रक्षण के लिए रक्षा के लिए वहाँ उनके पास हमेशा रहते हैं। तो मैं यहाँ अब मंदिर में आ चुका हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाने के लिए सारी बहुत सारी स्टोर लगी हुई है। और मैं आपको अगली जो वीडियो में इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और उड़न खटोला के द्वारा कैसे आते हैं, उनसे भी मैं यहाँ पे चढ़ के आऊँगा और आपको उनका भी वीडियो दिखाऊंगा। मैं अपने पापा के साथ और बहना है उनके साथ मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि ट्राम से जो उड़न खटोला जो है उनसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्योंकि मैं वीडियो के आपको दिखाना था तो इसलिए मैं पैदल चढ़ करके यहाँ पहाड़ पर आया, पहाड़ी पर। तो ये प्रवेश द्वार है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने माता का चुन्नी यहाँ पर बांधा गया है मनोकामना के लिए। यहाँ पर गर्मी के दिनों तो काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि लंबी लाइनें लगी हुई रहती है। बंगाल में और हरिद्वार, कलकत्ता, बिहार, यहाँ पर इन सब जगहों पर मनसा देवी का बहुत ही महत्व बताया गया है। और यह मंदिर जो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच ये बंद रहता है, क्योंकि 12 से 2 बजे के बीच कहते हैं कि वो श्रृंगार होता है तो मनसा देवी जी का, तो इसीलिए 2 घंटे बंद रहते हैं। आपको ये नहीं बताया कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मनसा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 786 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ती है, 786 यानी स्टेयर्स आपको चढ़नी पड़ती है। और ये मैंने मंदिर के मतलब बाहर नीचे में ही आप ये प्रसाद मैंने ले लिया था चढ़ावा, ये करीब 20 रुपये का ये मुझे मिल गया था, तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें 2 चुन्नी और शायद मुढ़ी या मूढ़ा जैसे कहते हैं वही होगा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पर दर्शन करके आ गया हूँ, और अब मैं उड़न खटोला का टिकट मैं लेने वाला हूँ। ये टिकट घर है, तो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है
129 रुपये करीब GST वगैरह कुछ टैक्स मिला करके पड़ता है, और बच्चे का अलग है चार्ज। बच्चों का हाइट के हिसाब से यहाँ चार्ज लिया जाता है, 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा का इसमें चार्ज लगेगा। और मैंने टिकट ले लिया है और मैं अब एंट्री करने वाला हूँ, तो यहाँ कुछ चेकिंग होता है, तो चेकिंग का फॉर्मेलिटी तो करना होगा। अभी तक तो दो जगह चेकिंग हो चुका है, अब तीसरी जगह और भी चेकिंग होगा, तो पता नहीं कितने जगह चेकिंग होंगे। अच्छी बात है कि चेकिंग होना चाहिए, हम सब आपके लिए सभी की सुविधा होती है और सिक्योरिटी के माध्यम से सही भी है। तो यहाँ वेटिंग रूम है, तो वेटिंग नंबर जैसे अभी 21 चल रहा है, तो मेरा यहाँ पर 26 है, तो मुझे 26 का वेट करना पड़ेगा, तो 25 आ चुका है, तो कुछ देर यहाँ वेट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए पेड़ा ले लिया है, यहाँ पेड़ा बहुत ही मशहूर था, तो मैं यहाँ का पेड़ा अभी खरीद चुका हूँ चढ़ावा के लिए। देखिए यहाँ पे पेड़ा का प्राइस लिखा हुआ है, अमूल दूध से ये बना हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें अगर आप एक परिवार से आए हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें एक बार में चार लोग भी बैठते हैं, और अगर जिसमें अगर दो लोग हैं या एक लोग, तो जो अकेले आए उसके साथ यहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए परिवार के साथ ही इसमें बैठें, तो उसका फिर कुछ और ही आनंद है। अब लगता है मेरा नंबर भी आने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बैठने के लिए। तो हम लोगों ने उड़न खटोला का सफर पूरा कर लिया है, और अब मैं मंदिर की तरफ जाता हूँ। तो ये रास्ता है, फिर उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम लोग ने पहाड़ों के माध्यम से चलकर आए थे। तो आप यहाँ पर सीधाई में आप देखेंगे कि मुख्य द्वार आपको मंदिर का नज़र आ रहा होगा। ये रास्ता है और जहाँ से मैं आया हूँ अभी उड़न खटोला से,
और यहाँ पर ये मंदिर का मुख्य द्वार आपको सामने में नज़र आ रहा होगा। तो यही मेरा उद्देश्य था कि वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराऊं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का ऋषिकेश का वीडियो मैं डालने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।